स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबेरी ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने एक टूलकिट भी शामिल की थी। ये टूलकिट असल में एक गूगल डॉक्यूमेंट था जिसमें किसानों के प्रोटेस्ट के समर्थन में बातें कहने से जुड़ी जानकारी लिखी हुई थी। इस टूलकिट के मामले ने इंडिया में तूल पकड़ लिया और बात यहां तक पहुंच गई कि इसे एडिट करने के आरोप में बैंगलोर की एक्टिविस्ट 22 वर्षीय दिशा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बारे में कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने बगैर ट्रांजिट रिमांड के दिशा को अरेस्ट किया और इसलिए यह अनलॉफुल कस्टडी का केस भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस सब के बीच मिस इन्फॉर्मेशन के मामले भी देखने को मिले। एक्टिविस्ट दिशा रवि के बारे में सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें बताई जाने लगी। सबसे बड़ा ब्लंडर किया टाइम्स नाउ ने। उन्होंने 22 साल की दिशा को सिंगल मदर बता दिया। दिशा 24 फरवरी को अरेस्ट हुई थी। इसी दिन पब्लिश हुई रिपोर्ट में दिशा को सिंगल मदर बताया गया। इसके बाद कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी यही दावा किया। भाजपा सपोर्टर अंकित जैन और चयन चैटर्जी ने ऐसे ही दावे किए। चयन चैटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर आशुतोष मुखर्जी के परपोते हैं। ट्विटर हैंडल @soulfacts और @slightlyepic_ ने भी ऐसे ही दावे किए। इन दोनों हैंडल्स को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। असल में टाइम्स नाउ के अलावा किसी भी मीडिया हाउस की किसी भी रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि दिशा सिंगल मदर है। द हिंदू ने बताया था कि बेंगलुरु से आने वाली पर्यावरण एक्टिविस्ट एक सिंगल मदर की बेटी हैं। टाइम्स नाउ की इस रिपोर्ट में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक दिशा को सिंगल मदर ही लिखा रहने दिया गया। हालांकि ऑल्ट न्यूज का अंग्रेजी में फैक्ट चेक पब्लिश होने के बाद टाइम्स नाउ की इस रिपोर्ट में बदलाव हुए। टाइम्स नाउ ने भले ही अपनी रिपोर्ट से सिंगल मदर वाला हिस्सा हटा दिया हो, लेकिन उन्होंने इस बाबत कोई भी सफाई नहीं दी। उनकी रिपोर्ट को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर दिशा के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें कही गईं। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि महिला एक्टिविस्ट के बारे में घोर आपत्तिजनक बातें देखने सुनने को मिल रही हों। रीसेंट पास्ट में ऐसा खूब हुआ है। सफूरा जरगर और NTCA प्रोटेस्ट में भाग ले रही तमाम महिलाएं इसका प्रमुख उदाहरण है। दिशा रवि के बारे में एक और गलत जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की गई। बताया गया कि वो क्रिश्चियन है। उनके क्रिश्चियन होने या किसी भी धर्म से जुड़े होने का उनके एक गूगल डॉक को एडिट करने के कथित अपराध से क्या लेना देना है, ये ऑल्ट न्यूज को कतई समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी तथ्यों को सामने रखना हमारा काम है। @saffronsunanda नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि दिशा रवि का पूरा नाम दिशा रवि जोसेफ है। द पायनियर के संपादक प्रमोद कुमार सिंह और एशियानेट न्यूज के CEO अभिनव खरे ने भी यही कहा। इसके अलावा भाजपा सदस्य गीता कोटपल्ली और इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल उमराव ने भी यही दावा किया कि दिशा के नाम में जोसेफ है और वो ईसाई हैं। ऑल्ट न्यूज ने ऐसे कई लोगों से बात की जो निजी जीवन में दिशा को जानते थे। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो क्रिश्चियन है। ये दावा असल में तब वायरल होना शुरू हुआ जब लोगों को ये मालूम चला कि दिशा माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु की पढ़ी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस गलत दावे की सच्चाई द न्यूज मिनट ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि दिशा का पूरा नाम दिशा अन्नप्पा रवि है। दिशा के परिवार के नजदीकी और पेशे से वकील प्रसन्ना आर ने द न्यूज मिनट को बताया था कि दिशा की मां का नाम मंजुला नानजैया है और पिता का नाम रवि है। ये परिवार कर्नाटका के टुमकूर जिले के तिप्तूर से है। प्रसन्ना आर ने यह भी बताया कि दिशा किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती है, लेकिन उसकी परवरिश लिंगायत परिवार में हुई है। बीजेपी सदस्य गीता कोटपल्ली को जब यह बताया गया कि दिशा का पूरा नाम दिशा अन्नप्पा रवि है, तो भी उन्होंने अपने गलत दावे का साथ नहीं छोड़ा और कहा कि लोग दिशा का और उसकी मां का पूरा नाम तो बता रहे हैं, लेकिन उसके पिता का पूरा नाम नहीं बता रहे हैं, जो कि रवि जोसेफ है। असलियत यह है कि दिशा के पिता का पूरा नाम रवि अन्नप्पा है।